हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एस पी सिंप्लीफाइड तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ घटना चक्र का बेसिक साइंस जो जनरल साइंस होती है जो पूरे जनरल साइंस की बुक आती है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ ठीक है तो मैं पहला पोर्शन जो शुरू करूँगा वो फिजिक्स होगा फिजिक्स में हम क्या करेंगे पूरे जिस जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जितने भी क्वेश्चन एम हैं उसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ में कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो तो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जनरल साइंस की टॉपिक पूरी खत्म करेंगे जनरल साइंस जो होता है वो किसी भी एग्जाम में जैसे एस एस सी सी हो गया किसी भी स्टेट पी में बी पी एस सी यू किसी भी स्टेट पी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है इवन इंडिया के कोई भी एग्जाम में जहाँ जीएस पार्ट है वहां पर जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ प्रॉपर एंटीक्टीज जो भी हम डालेंगे आप उसमें एक चीज हमको देख सकते हो कि आप अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से <clears throat> तो क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है ठीक है ऑप्शंस दे रखा है फोर्स वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट वर्क नन ऑफ दी अबव मोर देन वन ऑफ दबव तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना वैसा क्वांटिटी जो जिससे हम किसी चीज़, किसी अनदर क्वांटिटी को डिराइव कर सके ठीक है तो उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पर जाते हैं तो सेवन सात तरीके का होता है फंडामेंटल क्वान्टिटी हम लोग एक एक करके सबको जानते हैं मेरा मेन मकसद जो होगा आपको क्वेश्चंस बताना नहीं होगा बट उसमें जो प्रॉपर कोर एक्सप्लेनेशंस होगा वो देना होगा उससे क्या होगा जो अगर मैं हर एक पिट को एक्सप्लेन करूंगा तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट को इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो जैसे मेरा, मेरा मकसद क्या है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा तो

फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन यही है कि, कि किसी भी चीज़ को जिसको जैसे मान लो कि आप बेसिक और बेस और फंडामेंटल यूनिट से उसको मेजर करो ठीक है जैसे जैसे एमएलटी होता है मास लेंथ एंड टाइम ठीक है तो लेंथ को मीटर में मान लेते हैं टाइम को सेकेंड में मान लेते हैं ठीक है तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट से उसको हम लोग मेजर कर सकें ठीक है और उस यूनिट को और उस क्वांटिटी को यूज़ करके हम कुछ और क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं हमारा जो सेवन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सा है ठीक है तो इसमें क्या क्या है लेंथ है मास है एंड टाइम है ठीक है इलेक्ट्रिक करेंट है टेम्परेचर है लुमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है देखो मैं जानता हूं कि आपको लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करेंट टेम्परेचर पता होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी पता होगा थोड़ा बहुत बट लुमिनस इंटेंसिटी में यहाँ पे थोड़ी सी आपको फर्क पड़ेगी पड़ेगी तो लुमिनस इंटेंसिटी मैं आपको बताता हूँ लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि, कि किसी भी एक यूनिट एरिया में मान लो ये एरिया है पर्टिकुलर ठीक है इस पर जो लाइट रेज फॉल कर रही है किसी भी एक सोर्स से जैसे मान लो मैंने मैं एक लेप लैंप लेकर आया हूँ ठीक है या फिर एक टॉर्च लाइट लेकर आया हूँ और मैं उस टॉर्च लाइट से क्या कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर पे एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर होगी उस पर लाइट को मैं फॉल करवा रहा हूँ ठीक है अगर मैं लाइट को उस पर्टिकुलर एरिया में फॉल करवा रहा हूँ ठीक है तो जो एरिया में वो फॉल कर रहा है दैट इज़ द उस एरिया में जो उसकी इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी पर यूनिट दैट एरिया इज लुमिनस इंटेंसिटी ठीक है तो ये भी एक तरीके का फंडामेंटल यूनिट है तो आपको इसको ध्यान रखना है और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है ठीक है लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट कैंडेला होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ इवन छोटे छोटे एग्जाम आर के ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर के स्टेट पी लेवल पर इवन यूपीएससी भी इस टर्म को यूज करता है और इसकी यूनिट को के साथ छेड़छाड़ करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर वन अब हम मूव करते हैं आगे देखिए पूछा है यूनिट ऑफ पावर ठीक है यूनिट ऑफ पावर पूछ रहा है पावर क्या होता है पावर का मतलब होता है काम करने जो रेट ऑफ डूइंग वर्क ठीक है जैसे मान लो पावर हम पावर की बात करते हैं एक मिनट मुझे पेन चेंज करने ठीक है पावर की बात करते हैं ठीक है थिकनेस थोड़ा बदल लेता हूं ताकि थोड़ा सही रहे हाँ अगर मैं पावर की बात करूंगा पावर तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क पर यूनिट टाइम ठीक है ये होता है पावर तो मतलब आप किसी काम को कर रहे हो उस किस रेट से टाइम में कर रहे हो उसको हम लोग पावर कहते हैं ठीक है तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वर्क की हो गई जूल एंड टाइम की होगी गई सेकेंड तो जूल पर सेकेंड होती है ठीक है लेकिन और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं वॉट कहते हैं वॉट ठीक है तो जूल पर सेकेंड वर्क क्या वर्क एक तरीके का एनर्जी है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो वर्क का यूनिट हो गया जूल एंड टी टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड तो जूल पर सेकेंड को हम लोग ये हो गया जूल पर सेकेंड तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट कहते हैं और इसी पावर की यूनिट होती है वॉट ठीक है तो लेट मी रेज दिस तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन फिजिक्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क किस रेट से आप किसी काम को कर रहे हो और ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है कुछ भी देखो एनर्जी हर एक फॉर्म में हो सकता है हीट के फॉर्म में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है वर्क के फॉर्म में हो सकता है तो आप उसको किस रेट से कर रहे हो उसी को पावर कहेंगे ठीक है तो उसमें जो एनर्जी वेस्ट होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम दैट इज पावर पी इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम जो मैं जैसा मैंने ऑलरेडी बताया इस दस यूनिट ऑफ पावर इज वॉट तो याद रखना है ऐसा यूनिट क्या है वाट है इसकी वॉट जिसे बल्ब की वॉटर्स लिखाते हो ना उसी तरीके का है लेकिन बल्ब में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं ठीक है विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट बाई सिंबल डब्ल्यू और किलो वॉट दैट इज के डब्ल्यू ठीक है आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है तो वॉट है सेम क्वेश्चन है सो आई विल नॉट रीड द एक्सप्लेनेशन अगेन चलिए अब आगे बढ़ते हैं द यूनिट ऑफ द फोर्स फोर्स क्या होता है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन हम लोग जानते हैं बचपन से बट फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे ठीक है पहले एक चीज समझते हैं कि फोर्स होती क्या है फोर्स का मतलब क्या हुआ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, सो मैंने इसको एरो से दिखाया मास की यूनिट हुई के जी एंड एक्सेलरेशन हुई रेट ऑफ के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ठीक है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ठीक है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो टोटल क्या हो गया फोर्स का के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी को स्टैंडर्डाइजेशन में न्यूटन कहते हैं ठीक है तो आंसर सी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं <coughs> चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी रीड कर देते हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए दसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन दैट और के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच हैव डिराइव्ड हियर ठीक है अब देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इन टू एक्सलरेशन बिल्कुल जैसा मैंने बताया इन फिजिक्स सम समथिंग दैट कॉज अ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऐसा कोई भी चीज जो आपके मोशन को डिस्टर्ब करे और उसमें बदलाव लाए उसी को हम फोर्स कहते हैं द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट इज एन ऑब्जेक्ट मास मल्टीप्लाई बाय एन एक्सिलेशन ठीक है वॉज गिवन बाय आइजैक न्यूटन सो इनको इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके डेफिनेशन में इसके बारे में बताने के लिए So, इनके नाम पे इनकी यूनिट को डिसाइड करती है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स तो आगे बढ़ते हैं नाउ क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्क तो वर्क की यूनिट मैंने आपको पहले बताई है वर्क की यूनिट होती थी है जूल ठीक है अब देखते हैं आखिर वर्क का डेफिनेशन को समझ लेते हैं देखिए तो वर्क के डेफिनेशन को समझते हैं ठीक है तो वे अ फोर्स एक्ट एक्ट्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन वर्क डन देखिए सिंपल सा बात है इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फोर्स से ठीक है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर पा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स से जैसे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी चीज में डी जैसे मान लो एक बॉक्स यहां रख रखा था ठीक है इसको मैंने एक फोर्स एक्सटर्नल लगाया एक धक्का लगाया और ये बॉक्स टहल के यहां से यहां तक आ गई ठीक है फोर्स के कारण तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बीच में जो हुई ना उसको मान लो कि हम लोग डी कहते हैं डिस्टेंस डी ट्रैवल कर गई बॉक्स किस लिए डी ट्रैवल कर गई एक फोर्स मैंने उस पर लगाया एफ उसकी वजह से डी ट्रैवल कर गई तो फोर्स दैट कॉज इज डिस्प्लेसमेंट टी फोर्स जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डी हुई तो उस दोनों के प्रोडक्ट को ही हम वर्क कहते हैं जिसके कारण काम हुआ ठीक है वेन अ फोर्स एक्ट्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वेलन टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब आपने फोर्स इधर लगाया तो ऑब्वियस है इसकी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी आप फोर्स आप ऐसा तो नहीं होगा कि आगे की तरफ धक्का लगाइएगा तो पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट आएगी नहीं आएगी तब आ सकती है जब वह ऑब्जेक्ट आपसे ज्यादा फोर्स आपके जो आप लगा रहे हो फोर्स उससे ज्यादा फोर्स आपको लगा दे तो आप पीछे हो सकते हो ठीक है तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसको इसकी तो हम लोग देख लिए तो देखते हैं फोर्स क्या होता है फोर्स इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की मीटर सो so इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं जूल तो जूल एनर्जी की भी यूनिट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी को किस चीज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हार्ज में अब हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी होता क्या है पहले समझते फ्रिक्वेंसी को होता क्या है मान लो मान लो कि ये एक कोई मेरा एक साइन वेव है ठीक है साइन वेव है इस साइन वेव जो मेरी साइन वेव है इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होती है जिसको मान लो ए मान लेते हैं हम और इसकी अपनी एक टाइम पीरियड होती है टाइम पीरियड कहने का ये मतलब हुआ कि वो वेव एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करेगी जैसे मान लो जैसे यही देख लेते हैं जैसे ये एक वेव है ये इसकी एक साइकिल हुई अब ये खुद को इसके बाद खुद को रिपीट करेगी जैसे अगर ये इस पोर्सन को हम देखते हैं तो सेम पोर्सन विल गेट रिपीट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो सो यहाँ से यहाँ तक जि, जिस जिस पोर्सन को वो फिर से यूनिकली रिपीट करेगी उसको टाइम पीरियड टी कहेंगे और उसके बाद फिर से वो रिपीट करेगी किसको तो टी कहेंगे तो ये टाइम पीरियड होता है दैट इज वैसा टाइम वेव का वैसा टाइम जहां वो अपने आप को फिर से रिपीट करे रिपीट करने लगे ठीक है तो ये टाइम पीरियड हो गया और फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन बाय टाइम पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकल्स इन वन सेकेंड तो वही वेव एक सेकेंड में कितने साइकिल्स लगाती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है अब देखिए टाइम पीरियड टाइम की मान लीजिए सेकेंड मान लेते हैं तो ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी इसी को हर्ज कहते हैं ठीक है तो ज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज हर्ज ठीक है अब हम आगे बढ़ते क्यों। हैं क्योंकि इसमें देने की जरूरत नहीं मैंने बहुत सारा कर दिया देखो समझते हैं पहले रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है तो एक कंडक्टर हुआ मान लो ये एक कंडक्टर हुआ ठीक है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ उसको हम मान लेते हैं ए और इस कंडक्टर की लेंथ को मान लेते हैं एल ठीक है और एक कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी और जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो आपको ये समझना होगा कि इसके पास कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू उसको मैं मान लेता हूँ आर आर रेजिस्टेंस है ए उस कंडक्टर की एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर जो ये लेंथ मैंने लिया है ये लेंथ है एल ठीक है अब देखो तो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ के बराबर के ठीक है मतलब क्या है अगर इस वायर के लेंथ को हम बढ़ा दें तो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है ठीक है फिर उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर एरिया को हम बढ़ाते हैं अगर इस एरिया को हम बढ़ा दें तो हमारा रेजिस्टेंस ये बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है जब इस दोनों को कंबाइन किए तो क्या एक्सप्रेशन आया मेरे पास आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए ठीक है तो इस प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए जो फैक्टर हम लेके आए ठीक है उसको ही कहते हैं रो आर इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए वेर रो क्या है रो ही है रेसिस्टिविटी अब हम समझते हैं रेसिस्टिविटी जो इंट्रोड्यूस किया हम लोग कॉन्स्टेंट वो होता क्या है तो रेसिस्टिविटी बेसिकली क्या होता है ना उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी ठीक है तो हम समझ गए अब बताना है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ रहे हैं ठीक है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं सो so, ओम जो होता है ओम ये हो गई रेजिस्टेंस की वोल्ट हो गई, वोल्ट हो गई वोल्टेज की एमपियर हो गई करंट की फेराडे हो गई चार्ज की अब बताइए इसमें तो है ही नहीं कोई रेजिस्टिविटी की तो इसका ऑप्शन इनकरेक्ट था क्वेश्चन फ्रेम में एरर था बट मैंने आपको एक फॉर्मूला यहां दिया रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए वेयर रो इज वॉट रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल ठीक है अब देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी क्योंकि बेसिकली हमको तो जानना है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो हम जानते हैं तो आर इक्वल्स टू मैंने यहां निकाला यहां आप देख सकते हो यहाँ पे तो आर इक्वल्स टू रो इन टू एल बाई ए तो यहाँ रो क्या हो जाएगा रो हो जाएगा आपको आर ए बाई एल ठीक है आर ए बाई एल हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर बाई लेंथ की यूनिट होती है मीटर 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 तो तो स्क्वायर से meter से meter कट गई ओम इज द फॉर्मूला ऑफ इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी थी नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया जो हम लोग एक्सप्लेन किए अभी इतना सारा मैंने एक्सप्लेन किया आपको तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कह रहा है ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ किसकी है ओम मीटर यूनिट तो रेसिस्टिविटी की दैट इज रो की रो मीन R equals to rho into L by A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of conductor, A equals to cross sectional area of conductor. So आपको ये याद कर लेना है. Explanation मैंने बता दिया. आप उसको देख लेना. ठीक है? Moving to the next question. अब देखिए light year क्या होती है? Light year is a unit of distance. Basically ज़्यादा सोचना नहीं है. अब समझ लेते हैं क्या होता है. तो light year is an unit of astronomical distance. Equivalent to the distance that लाइट ट्रेवल्स इन वन ईयर विच इज नाइन पॉइंट फोर सिक्स ट्वेंटी फिफ्टीन मीटर अब समझ लो कि हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमी की जैसे स्पेस की बात करते हैं तो जो मान लो सन संस, सन से कुछ लाइट रेज आई अर्थ तक आनी है ठीक है तो हम वो बहुत ही दूर है डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं ठीक है तो उस डिस्टेंस को कवर करने में लाइट को जितना टाइम लगे ना तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस वो कवर करके आ रही है ना उसी को हम लोग लाइट ईयर कहेंगे ठीक है तो बेसिकली लाइट ट्रेवल्स इन ईयर तो कितने एक साल में कितना लाइट उसको ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को हम लोग वो कहेंगे अब ये कितना होता तो 10 .15 होता है है तो मीटर इस बात का ध्यान रखना है बेसिकली एग्जाम में आपको इतना नहीं पूछेगा बेसिकली पूछेगा कि लाइट ईयर जो होता है लाइट ईयर आपको बताना है कि ये किसकी यूनिट है तो ये डिस्टेंस की यूनिट है ठीक है ईयर मतलब टाइम मत समझ लीजिएगा ठीक है अब देखिए लाइट ईयर इज अ स ट्रेवल बाई द लाइट इन वन ईयर ठीक है एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं सिंपल है. सा एक्सप्लेनेशन है लाइट ईयर इज अट ऑफ डिस्टेंस सिंपल सा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं लाइट ईयर इज अट ऑफ सेम डिस्टेंस पी सी एस में यही होता है कि अगर एक पैटर्न आप समझ लिए ना प्रीवियस ईयर को देख के तो वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली घूम फिर के बार 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 आपको क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा So, यही है आपको स्टेट पीसेस क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे इजी सा ऑप्शन है आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम आउट करके समझिए और उस पर खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए लाइट ईयर इज सिंपल द डिस्टेंस बाय लाइट इन वन ईयर सेम क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर अब इसका रीजन पूछ रहे हैं तो देखिए क्यों हम लोग मेजर करते हैं देखिए इसका एक कंडीशन है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है सी हम लोग उसको सी से डिनोट करते हैं ठीक है सी से C से और इसकी वैल्यू होती है नियरली थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है और अगर हम वैक्यूम की बात करें कहीं की बात करें स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी होती है मोस्टली कांस्टेंट होती है ठीक है अब ये कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है जिस वजह से हम लोग स्ट्रोनोमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन नो दिस इज नॉट करेक्ट ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज ये भी इनकरेक्ट है तो ऑप्शन विल भी ओनली स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम दैट्स वाई वी स्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है इसको एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे ठीक है देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन सिंगल अर्थ ईयर ठीक है द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम नॉट इवन इफेक्टेड बाई ग्रेविटी ठीक है एंड दैट इज वेयर ऑल द स्टेलर बॉडीज आर प्रेजेंट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इज नोन टू हाई प्रिसीजन दैट इज वाई सिंपल सी बात है लाइट ईयर इसलिए हम लोग लेते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है तो अगर कोई भी पैरामीटर वेरिएबल नहीं हो रही है चेंज नहीं हो रही है तो हम उस पर डिपेंडेंट इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं किसी भी चीज को ठीक है अब हम समझते हैं इसको पारसेक देखिए ये भी एक लाइट ईयर की यूनिट ही है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काईज इक्वल टू इट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू फाइव लाइट इयर देखिए पारसेक की आपको याद रखनी है वन पार्स इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पॉवर सिक्सटीन मीटर्स होता है लेकिन आपको एक चीज याद रखना है इसको लाइट ईयर के टर्म में याद रखते हैं क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को लाइट ईयर के टर्म में रखते हैं तो इसको लाइट ईयर के टर्म याद रखेंगे तो वन पारसेक इक्वल्स टू थ्री पॉइंट टू फाइव लाइट ईयर इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टें है ठीक है अब इसको निकालना भी इजी है क्योंकि वन लाइट ईयर क्या होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टू पॉवर फिफ्टीन मीटर होता है एंड वन पारसेक इज थ्री पॉइंट जीरो एट इंटू टून पॉल सिक्सटीन मीटर होता है ठीक है तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे वन कितना लाइट ईयर के क्यू होता है तो वन पार्सक आ जाएगा मेरा ओवरऑल थ्री पॉइंट टू फाइव सिक्स लाइट ईयर तो एक पार्सक बराबर तीन दशमलव दो पाँच छह लाइट ईयर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए पूछ दिया घुमा के पारसेक किसकी यूनिट है ऑब्वियस है हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं लाइट ईयर क्या है लाइट ईयर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं सीधा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो सिंपल जवाब है वन एक सेंटीमीटर होता है वो जीरो पॉइंट थ्री नाइन इंच होता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज सिक्स फिट टॉल बी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर देखिए कुछ तो आपको यूनिट्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन का थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए नैनोमीटर क्या होता है माइक्रोमीटर क्या होता है पीकोमीटर क्या होता है फेमटोमीटर क्या होता है माइक्रोमीटर क्या होता है मिलीमीटर क्या होता है डेसीमीटर क्या होता है इन चीजों का ख्याल आपको होना चाहिए नैनोमीटर हम समझते हैं वन नाइनोमीटर ट्वेंटी माइनस नाइन मीटर होता है ठीक है वन नैनोमीटर इस ट्वेंटी पावर माइनस नाइन मीटर होता है तो इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे हाइट ऑफ पर्सन सिक्स फिट कह रहा है एक फिट में आता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री जीरो फाइव मीटर ठीक है अब देखिए एक फिट में इतना आता है तो वन नैनोमीटर में कितना आ जाएगा एक फिट में टोटल नैनोमीटर कितना हो जाएगा इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो थर्टी पॉइंट फाइव इंट्रेट सेवन नाइनोमीटर हो जाएगा ठीक है अब छः फिट का बंदा है वो तो छः से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट तो वन तो ये बेसिक सिंपल सा मैथ्स है कुछ नहीं है बस आपको यूनिट्स का कन्वर्सन्स पता होना चाहिए कि इंच मीटर फिट नैनोमीटर मीटर क्या क्या मतलब कितने कितने कन्वर्जन का होता है हालांकि मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकते हैं वो ये उनके नेचर में है वो पीसीएस है वो ऐसे ही वो पीसीएस के क्वेश्चन सेटर ऐसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं ताकि बच्चे एकदम सिली सिली मिस्टेक करके गलती करके आ जाए और फिल्म में बाहर हो जाए फिर मेन्स में हाथ मलते रहें अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे एक नाइनोमीटर कितने बराबर होती है तो ट्वेंटी माइनस नाइन मीटर आइव ऑलरेडी टोल्ड यू ठीक है आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन वन नाइनोमीटर इस ट्वेंटी माइनस नाइन मीटर ठीक है <coughs> अब एम्पियर किसकी यूनिट है एम्पियर यूनिट है आपको इलेक्ट्रिक करंट की ठीक है एम्पियर देखिए क्या होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितने उसमें से चार्ज फ्लो कर उस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है ठीक है कितनी चार्जेस की फ्लो हो रही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी ठीक है मैं लिखी देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए तो अगर मैं करंट की बात करूं करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से बेसिकली ठीक है तो आई इक्वल्स टू होता है क्यू दैट इज द रेट ऑफ चार्ज चार्ज दैट इज फ्लोज इन साइड दैट कंडक्टर बाई टाइम ठीक है तो चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन हो सकती है कुछ भी हो सकती है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुलम से ठीक है एंड टी को टी को टाइम है जो उसको सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं कुलम पर सेकंड इज वॉट इज एम्पियर तो यही एम्पियर वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है इफ वन एमपीयर करेंट इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टिंग वायर इट मीन सिक्स पॉइंट टू फाइव आर एंटरिंग पर सेकंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम द अदर डायरेक्शन एट द पर सेकंड सेकंड के यूनिट से निकाल लिया है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकती है डिवाइडेड बाय द टाइम ठीक है अब हम लोग जानते हैं मेगा इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज देखिए मेगा की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात हो रही है तो मेगा वॉट होती है ट्वेंटी पावर सिक्स तो मेगा जो होगी ना इतनी लॉस नहीं हो सकती अगर आप मान लो मैं आपको एक टेक्निकल टर्म समझाता हूँ मान लो यहाँ पे एक जनरेटर लगा है ठीक है एक जनरेटर यहाँ लगा है ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है बीच में कुछ बीच में कुछ तार वार आया जहाँ लॉसेस हुआ एप्लींसेस लगा आपकी आपकी फ़ैन लगी है ठीक है आपके घर में फ्रिज लगा है ठीक है और फिर आप यहां बैठे हो पी गए हो किसी को लेके पी गए हो फिर यहां एक्सपेंसेस है फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ठीक है तो ये जो जनरेट हुआ ना आप एक चीज समझो जहां जनरेशन होगा वहां बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा तो यहां मेगावाट में एनर्जी लगता है ठीक है अब ये लॉसेस होगा अगर आपके घर में मेगावाट में लॉसेस होने लगे तो आप बिक नहीं जाओगे बिक जाओगे तो वहां पर लॉसेस जो होती है वॉट में होती है ठीक है और जाओगे तो मान लो सिनेमा हॉल पीवीआर की बात करते हैं तो वहां कीलो वॉट में होगी ठीक है बट मेगा वाट में, हो में नहीं होगी तो मेगा वाट नॉर्मली हम लोग बात करेंगे वहां हम लोग बात करेंगे जनरेशन का जहां पर एनर्जी जनरेट किया आता है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे यहां दो लिस्ट को है उसको मैच करना है लिस्ट वन है फिजिकल क्वांटिटी एंड लिस्ट टू है उसका यूनिट तो बेसिकली हम बात करते हैं एक्सेलेशन की ठीक है तो हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं एक्सेलेशन की हमको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। फोर्स की क्या हो जाएगी फोर्स की हो जाएगी न्यूटन वर्क डन की क्या हो जाएगी जूल हो जाएगी तो आप एक काम करो ना पहले सिलेक्शन कर लो कि आखिर आखिर ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है फोर्स बी इज थ्री बी इज थ्री दैट इज आंसर या तो ये होगा या आंसर ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा अब हम लोग देखते हैं डन की जूल है दैट इज सी की वन होनी चाहिए तो सी की या तो ये होगी या ये होगी तो ऑप्शन तो आपकी कट गई ये तो होगी नहीं तो आंसर डी होना चाहिए तो सिंपल सा करेक्ट है अब देख लो एक्सेलरेशन की चार है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है और इम्पल्स क्या होती है इम्पल्स होती है न्यूटन सेकेंड दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम ठीक है तो इम्पल्स हो गई न्यूटन सेकेंड सिंपल हो गई ऑप्शन डी इज करेक्ट आगे बढ़ जाओ सीधा सोचना ही नहीं है एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा यूज करो हमेशा फ़ायदा करेगा खास करके पीसीएस जैसे एग्जाम में एलिमिनेशन उनको क्वेश्चन सेट करने आता नहीं है ज्यादा बस वो आपको डराने की कोशिश करते हैं ठीक है तो एक्सेरेशन इज वॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ विलसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है द दैसा यूनिट ऑफ एक्सेलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलिए इसको मैं समझा ही देता हूँ अगर मान लो आपको नहीं पता हो तो एक्सेलेशन क्या होता है देखिए एक्सेलेशन मतलब क्या होगा कि एक भी ऑब्जेक्ट की मान लो कुछ वेलोसिटी है पहले वो v2 से चल रहा था ठीक है अब वो v1 से चलना शुरू कर दिया तो जो चेंज हुई ना वेलोसिटी चेंज हुई ना वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ठीक है और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड ये तो पता होना चाहिए वेलासिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम तो मीटर पर सेकेंड ठीक है अब मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो अब आगे बढ़ते हैं तो इंपल्स की यूनिट मैंने आपको बता दी न्यूटन सेकंड होती है दैट इज फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स और इसी तरीके से वर्क की एनर्जी जूल होती है आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट करेक्टली मैज्ड वर्क की जूल होती है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है मास की के जी होती है एब्सोल्युटली करेक्ट है फोर्स की न्यूटन होती है एब्सोल्युटली करेक्ट है प्रेशर की पास्कल होती है ठीक है हम यहाँ एस आई यूनिट की बात कर रहे हैं डाइन इज नॉट द एस आई यूनिट तो प्रेशर की पास्कल होगी तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स किस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्रेट में अगर हम बात करेंगे फोर्स की तो डाइन होगी उसकी यूनिट ठीक है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट सो इज नॉट करेक्ट सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है और कुछ नहीं है ज्यादा सोचना नहीं है तो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा कर देगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए मैंने आपको पहले बताया एलिमिनेशन टेक्निक पहले जो मुझे आता है वो जानेंगे बोले मुझे पता करेंगे मुझे क्या आता है ठीक है तो यूनिट्स दे रखी है पैरामीट्रिक पारामीट्रिक क्वांटिटीज दे रखी है हम उसको मिलाने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए तो वॉट हमें वॉट पता है वॉट किसकी है तो भाई पावर की है कैसे पता तो बहुत बहुत पहले से रट रहे हैं हम इसे ठीक है अब हम बात करते हैं नॉट की नॉटिकल माइल्स नॉट की ठीक है तो नॉट नॉटिकल माइल्स कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सी 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 के में यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए तो स्पीड ऑफ सिप जो स्पीड ऑफ सिप होती है उसकी मेजरमेंट नॉट में मेजर होती है ठीक है नॉटिकल माइल्स जो होगी वो नेविगेशन में होगी एंड कैलरी क्या होती है हीट होती है सिंपल सा क्वेश्चन है ए फोर बी थ्री सी टू डी वन

सेम चीज है मैच द फॉलोइंग करना है हमें जानना है कि कौन किससे रिलेटेड है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख रहे ठीक है तो अब पूछ रहा है कि किससे कौन मैच करेगा तो एम्पियर हम जानते हैं करंट है तो बी का वन है तो बी का वन होगा तो ऑप्शन एक ही है आगे बढ़ने का तो एक ही एक ही ऑप्शन से मिल गया मुझे बट फिर भी हम और जान लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है तो वर्ड का क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा सी का टू हो जाएगा जूल होती है एनर्जी की तो वर्क और एनर्जी सेम होता है तो थ्री हो जाएगी चलिए हो गया वोल्ट होता है वोल्टेज का और पोटेंशियल का तो वोल्ट हो जाएगा अब देखिए हाउ मे इन हॉर्स पावर जो होती है ना एक यूनिट होती है ठीक है ये होती है सेवन फोर्टी सिक्स वॉट अगर सेवन फोर्टी सिक्स वॉट को हम एक जगह यूनिट रखेंगे ना तो एक हॉर्स पावर की को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं तो वन हॉर्स पावर इज सेवन फोर्टी सिक्स वॉट इसको डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हो तो हॉर्स पावर इज इजनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर द रेट ऑफ वर्क इज डन सिंपल सी बात है पावर के डेफिनेशन कह रहे हैं तो वन वॉट होती है जूल पर सेकंड ठीक है हॉर्स पावर इज इज दैट सेकेंड तो सात सौ छियालीस याद रखना है आगे बढ़ते हैं सेम वही क्वेश्चन है अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है तो नॉट मैंने आपको बताया था नेविगेशन सिप ठीक है तो स्पीड ऑफ सिप ठीक है तो ये सही है मेजरमेंट ऑफ सिप स्पीड ये सही है ए सही है नॉटिकल माइल मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन बिल्कुल ये भी सही है एंगेस्ट्रम एंगेस्ट्रम क्या होता है यूनिट ऑफ वेव ऑफ लाइट मैं इसके बारे में आपको बताता हूं देखिए ये काफी छोटी यूनिट है एंगस्ट्रम काफी छोटी यूनिट है तो टेन टू दावर पावर वन एंगस्ट्रम इज वॉट ये इतनी माइक्रो यूनिट है ना कि इसको हम लोग वेबलेंथ में यूज करने के लिए काम लाते हैं वेबलेंथ हो गया या फिर किसी एटॉमिक uh, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज लाते हैं तो एंगस्ट्रम हो जाएगा यूनिट ऑफ वेबलेंथ ठीक है टेन टू पावर माइनस टेन मीटर होता है एंगस्ट्रम और लाइट ईयर हम लोगों ने पहले पर रखा है ये डिस्टेंस मेजर करता है ना कि टाइम मेजर करता है सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट पे टिक मारिए नॉट करेक्ट को ध्यान रखिए और ऑप्शन डी को करेक्ट मारिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है एंगस्ट्रम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ लेंथ लेंथ क्या होता है वेवलेंथ लेंथ मैंने आपको बताया है शायद नहीं बताया मैंने आपको टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी बताया चलिए वेवलेंथ लेंथ देख लेते हैं अब जब मान लीजिए ये एक वेव है आपके पास ये एक साइन वेव है ठीक है अब हम लोग समझते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी यहां से यहां तक ये यह टाइम पीरियड हो जाएगी जिस टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेगी खुद को रिपीट करने का मतलब तो ये इसकी पॉजिटिव पिक हो गई ये इसकी नेगेटिव पिक हो गई ठीक है ये हो गई उसकी टाइम पीरियड की हाफ डिस्टेंस ठीक है अब हम समझते हैं वेव लेंथ क्या होता है ठीक है तो अब इसी वेव को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा सेम रिपीट करेगा तो इसके अपर पार्ट से इसके अपर पार्ट का डिस्टेंस ये इसको कहते हैं लेमडा इसी को कहते हैं वेव तो इसको कहते हैं क्रेस्ट अपर पीक को कहें क्रेस्ट लोअर पीक को कहते हैं ट्रफ तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव ट्रस और टू कंजीक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेबलैंथ तो ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो दोनों सेम ही होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं इसको हम लोग नॉर्मली लेमडा से प्रेजेंट करते हैं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहा है मैच वन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है हाई स्पीड को मैक में करते हैं ठीक है वेवलेंथ को एंगस्ट्रा में करते हैं इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रेशर को पास्कल से कहते हैं अच्छा प्रेशर के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए पर्टिकुलर एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है फोर्स की होती है यूनिट न्यूटन एरिया की होती है मीटर स्क्वायर सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं ठीक है तो प्रेशर फोर्स एरिया सब क्लियर हो गया एनर्जी की जूल होती है ठीक है तो वन की ए, हाई स्पीड की मैक होती है मैक स्पीड मैक स्पीड जैसे फाइटर जेट होती है ना फाइटर जेट्स हो गई या फिर बहुत स्पीड से चलने वाली 700 हंड्रेड माइट पर किलो किलोमीटर आवर की स्पीड से चलने वाली जो होती है उसको मैक में हम लोग मेजर करते हैं ठीक है वेबले एंगस्ट्रम ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है सो ए बी सी डी का वन टू थ्री फोर हो जाएगा सिंपल से एक्सप्लेनेशन है वन टू थ्री फोर हो जाएगा सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर मूविंग फर्दर हम लोग सुपरसोनिक स्पीड की बात करेंगे तो मैक की बात करते हैं जैसे जेट जो फाइटर जेट्स होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं तो उसको हम लोग मैक में मेजर करते हैं ठीक है नाउ जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर सिंपल आगे के बनते हैं वन माइक्रोन वन माइक्रोन इज इक्वल्स टू तो देखिए वन माइक्रोन कैसे निकालेंगे देखिए माइक्रोमीटर की बात करेंगे हम तो माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो देखो क्या होता है वन माइक्रोमीटर की जब हम बात करें तो हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर ठीक है ये टेन टू दि पावर माइनस सिक्स मीटर हुआ अब हम लोग बात करें देखो अब यूनिट चेक करेंगे तो इसमें मिलीमीटर mm दे रखा है मिलीमीटर 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 तो मीटर को मिलीमीटर mm में कन्वर्ट करना है तो इसमें कुछ सोचना है क्या टेन टू द पावर माइनस सिक्स को पहले हम लोग इसको सेंटीमीटर में कर दो तो टेन टू द पावर टू फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक और टेन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस थ्री दैट इज वन बाई थाउजेंड तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है कुछ नहीं है यूनिट्स के साथ खेलना होता है और कुछ नहीं है वन माइक्रोन रिप्रेजेंट द लाइट ऑफ वन माइक्रोन रिप्रेजेंट द लाइट ऑफ देखिए यहां भी उन्होंने हल्का सा टर्न कर दिया अगर किसी की थोड़ी बेसिक खराब हो गए ना तो वो फंस जाएंगे यहाँ पे तो वन माइक्रोन क्या होता है देखो तो माइक्रोन हुआ टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर अब यहां ऑप्शंस में क्या दे रहा है देखो सेंटीमीटर है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि टेन टू पावर माइनस सिक्स सेंटीमीटर है वन मिलीमीटर है तो वन मिलीमीटर क्या होता है टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर तो ये भी नहीं होगा अब वन मीटर क्या होता है वन मीटर तो बिल्कुल नहीं होगा अब टेन टू पावर फोर सेंटीमीटर तो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम तो टेंथ पावर माइनस फोर सेंटीमीटर जो स्मॉलर यूनिट इसको बिगर यूनिट में ले जाना है तो इसको हम लोग टू पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू पावर माइनस सिक्स तो ये हो जाता है माइक्रोमीटर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं अब इसमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है कौन सा करेक्टली मैच है देखो डेसिबल जो होता है ना वो हम लोग साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो किसी कितने डेसिबल की साउंड होनी चाहिए साउंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए या फिर नॉइज क्वालिटी कितनी होती है अगर मान लो कुछ एरिया होता है कुछ रीजन ऑफ डेसिबल्स होता है जो कि ह्यूमन ह्यूमन के ईयर के लिए सेफ नहीं होता है तो डेसिबल्स को हम लोग मेजर करते हैं साउंड के इंटेंसिटी से ठीक है हॉर्स पावर जो मैंने आपको पहले बताया सेवन फोर्टी जो यूनिट ऑफ पावर होती है दोनों करेक्ट है ठीक है नॉटिकल माइल्स ठीक है यूनिट फॉर नेवल डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो करेक्ट मैंने आपको बताया नॉटिकल माइल्स को नेवल डिस्टेंस नेविगेशन डिस्टेंस के लिए सी में यूज करते हैं सेल्सियस जो होता है यूनिट ऑफ हीट ये गलत है क्योंकि सेल्सियस जो होता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की होती है ना कि हीट की होती है दोनों में मैं आपको फर्क बताऊं ठीक है तो सेल्सियस सेल्सियस मेजर करेगी टेम्परेचर ना कि हीट तो देखिए टेम्परेचर क्या होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर कहेंगे ठीक है तो वो डिफरेंस होता है हीट से अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट हीट की यूनिट कौन सी नहीं है कैलरी है किलो कैलरी है किलो जूल है बट वॉट नहीं है वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर वॉट जो है पावर की यूनिट है ठीक है <coughs> तो आगे करते हैं द वॉट इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ पावर इट इज ट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट दट इज एस यूनिट रेस्ट ऑल अर यूनिट ऑफ हीट विच वन ऑफ द फॉलो इज नॉट द यूनिट ऑफ हिट हीट किसकी यूनिट नहीं है कैलरी है जूल है अर्ग इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट बट सेंटीग्रेड इज नॉट सेंटीग्रेटर ग्रेड जो टेम्परेचर की यूनिट है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग देखिए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर नेगेटिव ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है तो टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड इट इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड इन वन और मोर टेम्परेचर स्केल्स द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स आर सेंटीग्रेड स्केल फेरानाइट स्केल एंड कैलविन स्केल ठीक है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और कैलरी हो गया कैलरी अर्ग और जूल जो होता है ये हीट एनर्जी का यूनिट है हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू तो अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर हीट इज फॉर्म एनर्जी देखिए मान लीजिए जैसे एक आयरन रॉड है ठीक है जैसे हम लोग मान लो मैगी बना रहे हैं मैगी बना रहे तो स्पून यूज कर रहे हैं ठीक है स्पून को आप रख के उसी जिसमें मैगी बना रहे हैं इस पैन में उसमें छोड़ के हम चले जाते हैं स्पून को थोड़ी देर में हम जैसे स्पून टच करते हैं हमें जोर का घर मतलब हाथ मेरा जल जाता है क्यों जल जाता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ है कंडक्शन ऑफ हीट हुआ है कंड्यूसिव प्रॉपर्टी हुआ है जिस कारण मेरा हाथ जल गया तो मतलब हीट की यह प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसफर करेगा कंड्यूस करेगा ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं आप देखिए क्वेश्चन कितना कितना एक है बी का क्वेश्चन है ये काफी इजी क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए अभी कट ऑफ देख सकते हो आप कितना हालात क्या है डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर मींस एक किलोमीटर पूछना है कितने मीटर होते हैं हजार मीटर अब देखिए पीको ग्राम की बात करते हैं पीको ग्राम के ठीक है टूलो मीटर होता है ट्वेंटी आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर हम लोगों ने प्रेशर के बारे में क्या बोला प्रेशर इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स होता है न्यूटन पर यूनिट एडियो का मीटर स्क्वायर या फिर अगर हम लोग लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है तो ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर आगे बढ़ते हैं विच यूनिट ऑफ एटमोस विच इज यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर करते हैं ठीक है ये ठीक है ए वन बार टू टू पावर फाइव पास्कल होता है तो हम लोग नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर करते हैं ठीक है आप देखिए ओम को मेजर ओम में क्या मेजर करते हैं तो ओम में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं आपको पता है जूल में वर्क वर्क को मेजर करते हैं एनर्जी को मेजर करते हैं नॉट आपको पता है नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस में यूज करते हैं नेविगेशन में तो बार क्या है एक मेट्रिक यूनिट है जो ऐसा यूनिट नहीं है मेट्रिक ऐसा यूनिट है यूनिट ऑफ प्रेशर है ठीक है इट इज इक्वल्स टू टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज वन बार इक्वल्स टू टू पावर फाइव पास कल तो आप इसके इसको याद रख लो ना एक बार जो होता है टेन टू पावर पांच पास होता है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये ठीक है अब देखिए पूछ रहा है वन के जी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल इक्वल इन टू ये कितने किसके बराबर हो जाएगा तो एक के जी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक बार सिंपल सी बात है कुछ सोचना ही नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर में है ठीक है मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ अगर दिक्कत होगा तो एक बार दस टेंट तो पावर फाइव पासकल होता है सेंटीमीटर है टेन सेंटीमीटर क्या होता है टेन टू तो द पावर टू मीटर ठीक है तो उसको टेन टू द पावर फोर हो जाएगा ऊपर चला जाएगा माइनस फोर हो जाएगा ठीक है तो पासकल में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट अब इसमें किसकी यूनिट नहीं है ठीक है तो हम लोग समझते हैं देखिए स्ट्रेस की यूनिट है स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर फोर्स दैट इज मास इनटू मासन न्यूटन इसकी भी यूनिट है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी भी यूनिट है तो यूनिट सिर्फ स्ट्रेन की नहीं है अब हम समझते हैं स्ट्रेन होता क्या है ठीक है देखिए देखिए क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी या फिर रिलेटिव टर्म का यूज हो ना तो उसकी यूनिट नहीं होगी यह समझना है ठीक है रेशियो आ जाए तो उसकी यूनिट नहीं होगी तब जब दोनों ऊपर नीचे सेम रेशियो आ जाए तो इसी तरीके के है देखिए इसके बारे में समझते हैं जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है इसकी लेंथ थी एल ठीक है हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको इसको दाब के और इसको मैंने बड़ा कर दिया तो मान लो जो जो लेंथ चेंज हुआ वो हुआ चेंज हुआ डेल्टा एल थोड़ी सी लेंथ चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेन होगा ना वो चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल बाय एक्चुअल लेंथ होगा चेंज इन लेंथ की यूनिट होती है मीटर और एक्चुअल लेंथ की यूनिट होती है मीटर तो यूनिटलेस हो गई ठीक है तो सिंपल सा चेंज है और कुछ नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेशर देखिए, व्हेन द शेप ऑफ और साइज ऑफ एन मैटर इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज स्ट्रेन सिंस इट इज अ रेशियो हेंस इट इज डायमेंशनलेस एंड विदाउट एनी यूनिट कोई भी रेशियो होगा अगर सेम यूनिट में है तो वो डायमेंशन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए जानना है क्योंकि अगर मान लो कहीं पे मैथ्स वैथ में यूज कर रहे हो कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ हो सकता है तो, तो एक बैरल ऑफ ऑयल ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है वो बैरल ऑफ ऑइल्स में होती है वो कितने लीटर्स होती है तो वन लीटर इसको आप याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ ठीक है तो इसकी बात करेंगे देखो माइक्रॉन जो होती है ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स होती है एंगस्ट्रॉम क्या होती है ट्वेंटी माइनस टेन होती है ठीक है नाइनोमीटर ट्वेंटी माइनस नाइन होती है मीटर, फर्मी जो होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टेन सो माइनस फिफ्टीन होती है अब देखिए हमको बताते हैं कैसे मान लीजिए ये सॉरी मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटोन रहते हैं साथ में ठीक है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेब में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रही है ठीक है इस न्यूक्लियस से और इसकी जो डिस्टेंस होगी ना उसको फर्मी मीटर में हम लोग मेजर करते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं आपको जैसे मान लीजिए एनर्जी बैंड होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ एटम के अंदर की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्विच करते रहता है तो ये जो डिस्टेंस दोनों की होती है ना वो भी हम लोग फर्मी मीटर में मेजर करते हैं इतना छोटा डिस्टेंस होता है इतना ज़्यादा कि हमारे एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक स्पेस पे बात करेंगे तो ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टीन मीटर होता है उसको हम लोग फर्मी मीटर और फेमटोमीटर कहते हैं तो इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं ठीक <coughs> है अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट अब यहां मैच लिस्ट करने के कह रहा है लिस्ट वन लिस्ट टू दे रखा है ठीक है लिस्ट वन लिस्ट टू दे रखा है अब इनको मैच करना है क्यूसेक क्यूसेक वाटर इतना क्यूसेक वाटर पानी छोड़ा गया बांध से डैम से तो हम लोग एक सुनते ही आ रहे हैं सुन रहे हैं तो अभी ध्यान रखिए इस चीज का बाद आगे हम लोग यूज करते हैं अब देखिए रिक्टर स्केल एक होता है एक बार होता है तो बार मैंने आपको बताया था बार एक तरीके का प्रेशर होता है ठीक है बार एक प्रेशर होता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्यूसेक को किस मेजर करते हैं प्रेशर नहीं होगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नहीं होगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल विल विल रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव जो वेव आती है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की होती है बार जो होती है वो प्रेशर की होती है अब देखिए रेट ऑफ फ्लो मेजर करी क्यूसेक तो वन का थ्री हो जाएगा वन का थ्री मतलब ऑप्शन ये और ये दोनों हो सकता है दैट इज ऑप्शन बी भी हो सकता है ऑप्शन डी भी हो सकता अब है अब हम लोग आगे जाते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्यू सेक हो गया अब हम लोग आते हैं रिक्टर पे रिक्टर को मैंने आपको पहले बताया रिक्टर पे है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को एक तो टू हो जाएगा तो ऑप्शन सी का टू हो जाएगा तो सी का टू होने के लिए कंडीशन ये होता है और एक और तो कोई होता नहीं है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जो आपको पता है उसके आगे बढ़िए बाइट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन था व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक तो फ्लो ऑफ वाटर को क्यूसेक मेजर करते हैं कहते तो हैं कि डैम में इतनी पानी को छोड़ देते हैं इतने क्यूसेक वाटर को हम छोड़ रहे हैं ठीक है विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर देखिए ओजोन लेयर को डॉपसन यूनिट में मेजर करते हैं देखिए मुझे क्यों याद है इन चीज़ों के बारे में क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ रखा है और और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों को जानने में तो कोशिश करना है कि अगर आपको पीसीएस का कोई भी पेपर देना है एसएससी सीजीएल देना है सीएचएसएल देना है या कोई भी एग्जाम देना है जहाँ जीएस में जनरल साइंस है तो आपको इन चीजों पर इतना पकड़ होना चाहिए कि जैसे मान लो पच्चीस क्वेश्चन आ रहे तो पच्चीस में पच्चीस मेरा सही होना चाहिए तो इससे आप बहुत प्रॉपर लीड ले सकते हो बहुतों की ये जनरल साइंस पर थोड़ा वीक वीक स्ट्रेंथ होता है ठीक है अब हम लोग बाद में मेजर करते हैं तो ओजोन लेयर थिकनेस को मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में ठीक है विच मेजर्स वट वॉट इट्स फिजिकल थिकनेस वुड बी इफ कम्प्रेस्ड इन द अर्थ एटमोस्फियर चलिए और एक चीज़ और याद रखिएगा वन डॉप्स यूनिट को जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर थिकनेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्यों नहीं है क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देखिए इन वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा ना तो ओजोन लेयर का जो डॉप्सन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट होगा क्यों डिफरेंट डिफरेंट होगा? क्यों होगा क्योंकि वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा वहाँ का ग्लोबल वार्मिंग में डिपेंड करेगा हो सकता है ओजोन ओजोन लेयर में छेद हो ये भी हो सकता है तो इस वजह से ये कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करके लेते हैं तो mm है? आगे बढ़ते हैं डॉपन यूनिट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थिकनेस ऑफ वोजोन सो ये क्वेश्चन इक्यावन जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको टोटल क्वेश्चन है आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का जनरल जनरल फिजिक्स का जहां पे आपको जनरल साइंस के पोर्शन में फिजिक्स का क्वेश्चन आता है ये पहला चैप्टर था अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूंगा लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए ताकि मैं किसको कंटिन्यू कर पाऊँ क्योंकि इसको बनाने में एफर्ट लगता है और एफर्ट के साथ साथ थोड़ा टाइम भी लगता है तो अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ जो घटना चक्र है इवन लूसेंट की भी मैं कंप्लीट कंप्लीट पैकेज लेके आऊंगा ठीक है और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच